का बाद दो बार इंटरव्यू हुआ है, दो बार डोज हुआ है, कोई लोग नहीं मरा है। ऐसा तो नहीं था कि झारखंड का कोरोना का टीका अलग था और असम का कोरोना का टीका अलग था। ये कोरोना टीका लेने का बाद आर्मी में कितना बहाली हुआ, कोरोना टीका लेने का बाद सीआरपीएफ में कितना बहाली हुआ, कोरोना टीका लेने का बाद कितना अग्निवीर में कितना बहाली हुआ। एक झूठ का भी एक सीमा होना चाहिए। आप लोग जरूर इनको प्रश्न कीजिए, जब भी ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं आप लोग उनको जरूर प्रश्न कीजिए कि आपके कोरोना का टीका कोई अलग था क्या, अग्निवीर में ये किया क्यों घटना नहीं हुआ। 2021 का बाद असम में कम से कम 20,000 पुलिस कांस्टेबल का नियुक्ति हुआ, एक ही फिजिकल टेस्ट है, तब क्यों कोई नहीं मरा। सीआरपीएफ में नियुक्ति हुआ है, बीएसएफ में नियुक्ति हुआ है, झारखंड का जुबाई का भी नौकरी मिला है, अग्निवीर में झारखंड का युवाओं को नौकरी मिला है, कोई एक व्यक्ति भी तो नहीं मरा है। आपको शरम नहीं लगता है कि आपको इसका साथ भी आप कोरोना का टीका को आप संयोजन करने का कोशिश करेगा, अब कितना कितना आप गिरेगा, आप कितना अपने आप को आप कहां ले जाना चाहते हो। आप बोलिए, आप ही लोग बोलिए, कोरोना टीका लेने का बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, अग्निवीर का रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, एनसीसी का मास पास हुआ है कि नहीं हुआ, सीआरपीएफ में नियुक्ति हुआ है कि नहीं हुआ, देश भर का प्रदेशों में पुलिस का नियुक्ति हुआ है कि नहीं नियुक्ति हुआ। ऐसा झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ का भी सीमा होता है। झूठ नहीं ले सकते हो, एक एप्पल आप नहीं खिला सकते हो, आपका पास तो पैसा का कोई समस्या नहीं, हर दिन आप नया नया योजना का घोषणा कर रहे हैं। अब इशू को ह्यूमन एंगल से आप देखिए, एक गिलास दूध में कितना पैसा जाएगा, एक एप्पल में कितना पैसा जाएगा। 15 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था जुलाई 2020, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना समय में आप कर लेते थे तो आपका एक बच्चा भी नहीं मरते। सरकार को नहीं, ओआरएस है, सारा मेडिकल टीम है, हर फैसिलिटी है इसमें। तब ये 15 लोगों का कैसे निधन हुआ, सरकार को सीबीआई इंक्वायरी देना चाहिए। अगर सब कुछ है फिर भी युवाओं का मृत्यु हो रहा है तो हेमंत सोरेन जी सरकार को सीबीआई का इंक्वायरी देना चाहिए। देखिए, अक्टूबर से हम बड़ा महीना योजना का घोषणा करने वाला, और अगर बीजेपी एफिडेविट भी देना है कि हम महीना योजना को 100% सपोर्ट करता हूँ, हम एफिडेविट भी डाल दूंगा को, इसलिए हमारा लक्ष्य ये महीना योजना से भी बड़ा महीना योजना लाने का। हम लगभग सितंबर में हमारा फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग तैयारी कर चुका हूँ, और बड़ी ही अच्छा मैया योजना हम लेके आ रहा हूं। तो इसीलिए ये मैया योजना अगर बंद होगा तो हमारे मैया योजना कैसे आएगा। तो इसीलिए अगर सीएम साहब चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी जी कोर्ट में एफिडेविट कर देगा कि बीजेपी का 100% सपोर्ट मैया योजना में है। वो पीआईएल करता को लेकर, अरे पीआईएल वाला को आप अरेस्ट कर लो ना। तो ये तो आपका पूंजी में शायद पैसा नहीं है, इसलिए आप ही उसको करवा रहा है। आप इसको जो करना है करियर पीआईएल देने वाला को, आपका साथ बीजेपी खड़ा है।